वेलकम टू अधीरा केमिस्ट्री क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। जो लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, तीनों के एक ही नाम है। और यह इंटरमीडिएट का बहुत अच्छा लेसन है और यह सब जगह इसका उपयोग करते हैं, बीएससी पार्ट वन में, पार्ट टू में, थर्ड ईयर में। और यह इतना इम्पॉर्टेंट लेसन है कि इसकी बहुत सारी अप्लाइड फील्ड होती है। तो इसमें हमारा जो वीडियो चल रहा था, अब तक दो वीडियो हमारा आ चुका है। एक वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर और दूसरा वीडियो था सम बेसिक टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज जो हमारा वीडियो है वह आ रहा है, आज हम जो लिखाने पढ़ाने जा रहे हैं वह है कि लिगेंड क्या होता है और लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिगेंड एंड देयर क्लासिफिकेशन। फोकस हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड का क्लासिफिकेशन माने लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जब पानी में जाते हैं तो आयनाइज नहीं होते अच्छे से। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन पैदा करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है डोनर। तो जो एक्सेप्टर होता है वह सीएमआई होता है, उसे हम सेंटीमेटल आयन कहते हैं। जो डोनर होता है वह लिगेंड होता है, वह लोन पर देने वाला होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वे सभी लोन पर डोनर जो सेंटीमेटल आयन को, सीएमआई को अपना लोन पर देता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो लिगेंड के कितने टाइप होते हैं इसको समझाने के लिए मेन कॉन्सेप्ट आता है। तो दो मेन आधार है लिगेंड के टाइप को बांटने का। नंबर एक है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेज और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, या दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेंसिटी। तो नंबर एक होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे, और दूसरा आएगा ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। दूसरा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। तो फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं। तो चार्ज के आधार पे, नेचर ऑफ चार्ज के आधार पे लिगेंड जो होता है तीन टाइप का होता है। नंबर एक क्या होता है इसको अगर हम फोकस करते हैं तो नंबर एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जो न्यूट्रल होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन लोन पर देने की क्षमता रखता है, उसको हम न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। न्यूट्रल लिगेंड का अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया, वाटर, कार्बोनिल, पीरीडीन, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन लोन पर देने की क्षमता रखते हैं उसको हम न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। अब आता है दूसरा आता है नेगेटिव लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जो लोन पर देने की क्षमता रखता है लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है F-Cl-Iodine-Br-Cn-OH-HCO-, ऐसे एसीटेट आयन है। ये सब क्या है, नेगेटिव लिगेंड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तीसरा आता है पॉजिटिव लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और लोन पर देने की क्षमता होती है उसे हम पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NO+,
इसका नाम है नाइट्रोसीलियम आयन। एक और एग्जांपल है NH2NH3+, इसका नाम है एजोनियम आयन। ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, नहीं ये सब पाजिटिव लिगेंड है, लेकिन इनके पास चूंकि लोन पेयर देने की क्षमता होती है इसलिए भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने कहा कि लिगेंड क्या होता है, तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स आयन में सेंटर मेटल आयन से वे सभी डोनर एटम जो लोन पेयर देते हैं उसको लिगेंड कहते हैं। लिगेंड को दो आधार पर बांटा गया है, लिगेंड को क्लासीफाई करने का दो आधार, दो बेस है, एक आधार है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, इसी को डेंटिसिटी कहते हैं। तो डेंटिसिटी के आधार पर भी लिगेंड को बांटते हैं। तो जो फर्स्ट आधार है उसके आधार पर लिगेंड तीन टाइप के हो गए, न्यूट्रल लिगेंड, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो लोन पर देते हैं लेकिन उनके पास चार्ज नहीं होता है। निगेटिव लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो लोन पर देते हैं लेकिन उनके पास निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन लोन पर देने की क्षमता रखते हैं। अब आते हैं दूसरा ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम जिसको कहते हैं डेंटिसिटी। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन बेसिस ऑफ डोनर एटम, मतलब डेंटिसिटी के आधार पे। तो जो लिगेंड होता है उसके पास लोन पर देने की क्षमता रहती है, तो लोन पर देने वाले को डोनर एटम कहते हैं। तो डोनर एटम के आधार पे, डोनर एटम कितने हैं उसके आधार पे जो लिगेंड होता है वह होता है चार टाइप का। नंबर एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक बार लोन पर देने की क्षमता रहती है, माने वह CMI से एक कोऑर्डिनेट बांड बना सकता है। दूसरा होता है बाईडेंटेड लिगेंड। तो बाईडेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास दो डोनर एटम साइट होती है जो दो तरीके से या दो ओर से या दो कोऑर्डिनेट बांड बना सकता है। मतलब एक ही लिगेंड किसी मेटल आयन से जब दो कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन करेगा तो वह कहलाएगा बाईडेंटेड। एक होता है ट्राईडेंटेड लिगेंड, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास तीन लोन पेयर देने वाले एटम होते हैं उसको ट्राईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और एक ऐसा लिगेंड होता है जिसको हम पॉलीडेंटेड कहते हैं, उसका अच्छा एग्जांपल है हेक्साडेंटेट वाला जिसको हम EDTA कहते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट आयन होते हैं। तो लोन पेयर देने के डोनर एटम की संख्या के आधार पे तीन टाइप का हो गया, एक एक करके हम सबको लिख करके समझाते हैं और उसका एग्जांपल भी देते हैं। नंबर एक होगा आपका मोनो डेंटेट लिगेंड, मोनो डेंटेड लिगेंड जो केवल एक कोऑर्डिनेट बांड बना सकता है, माने एक लोन पेयर देने वाले एटम रहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया NH3, H2O, F-, CN-, Cl-, OH- फार्मेट आयन, एसीटेट आयन। ये सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है जो केवल एक कोऑर्डिनेट बांड बना सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वन आएगा, लिगेंसी भी वन आएगी, ठीक। दूसरा आता है बाई डेंटेट लिगेंड, मान ऐसा लिगेंड जो दो लोन पे डोनर एटम रखता है उसको हम बाई डेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है ऑक्सलेट आयन, इसका एग्जांपल है ग्लाइसिनेट आयन, इसका एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन। यह सब क्या है भाई, यह दो लोन पेयर दे करके दो कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन कर सकता है, यह भी दो लोन पेयर दे करके दो कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब इसके पास दो डोनर एटम हैं, इसके पास भी दो डोनर एटम हैं, इसके पास भी दो डोनर एटम है, तो इसका नाम कहलाएगा बाईडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। इसका नाम है ऑक्सलेटो, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो और इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन है, ठीक। अब आता है तीसरा,
तीसरे का नाम है ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राई डेंटेट लिगेंड मन ऐसा लिगेंड जो तीन डोनर एटम रखता है, मन तीन कोऑर्डिनेट बांड बना सकता है, उसको हम ट्राई डेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है NH2, CH2, CH2, NH2, CH2, NH2। देखिए इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है। इसका नाम ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया, क्योंकि ये अकेला लिगेंड एक CMI से तीन बांड बना सकता है। मैं तीन लिगेंसी होगी, तीन कोऑर्डिनेट बांड बनेगा, तीन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसका नाम होगा डाईएथिलीन ट्राईएमीन। क्या नाम होगा? डाईएथिलीन ट्राईएमीन होगा। तो मैंने कहा कि डेंटिसिटी के आधार पर तीन टाइप का होगा, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट। एक और होगा जिसका नाम होगा पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड पर। हम यहीं पे पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ साथ एग्जांपल आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का भी एग्जांपल आएगा और ब्रिजिंग लिगेंड का भी एग्जांपल आएगा। तीन हो गया था, नंबर एक था मोनोडेंटेट, नंबर दो था बाईडेंटेट, नंबर तीन था ट्राईडेंटेट, चौथा मैं लिखता हूं पाली पाली डेंटेट लिगेंड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा स्टेट आयन। क्या नाम है? एथिलीन डायमीन टेट्रा स्टेट आयन है। इसका मैं फार्मूला लिखता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसका हर जगह इस्तेमाल करते हैं। CH2CO- 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 देखिए एक दो, इसके पास छह लोन पेयर देने की क्षमता होती है। इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा स्टेट आयन है। एक दो तीन चार पाँच छः, इसको हम हेक्साडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। और इस लिगेंड के अंदर खास बात क्या होती है, अगर किसी CMI से, अगर किसी सेंट्रल मेटल आयन से अगर बांड का फॉर्मेशन करेगा तो उसको चारों तरफ से घेर लेगा। जब घेर लेगा तो जाके CMI उसी में फंस जाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और रिंग के फॉर्मेशन करने वाले लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इसके बारे में वीडियो हमारा आएगा। और जो कंपाउंड बने उसका नाम कहलाएगा चिलेट कंपाउंड कहलाएगा। तो यह हो गया पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गया, जो तीन से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बांड बना सकता है, तीन से ज़्यादा डोनर एटम की साइट को रखता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया EDTA। एक और टाइप का है जिसका नाम है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब है कि एक ऐसा लिगेंड जिसके पास जिसके पास एटम हो अलग अलग, एक ही लोन पेयर दे, एक ही कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन करे, लेकिन लोन पेयर देने वाले अलग अलग एटम हो जाए, उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NO2 और ONO-। ठीक, तो इसमें जो है इस कंपाउंड में देखिए, इसका फार्मूला दोनों का सेम है। इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर देता है और इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर देता है, तो यह कहलाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल है SCN और NCS। यह है एग्जाम्पल। इसमें एक में नाइट्रोजन लोन पेयर देता है और एक में सल्फर लोन पेयर
देता है, यह दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो एक ही लोन पर दे सकते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन वह अलग अलग एटम होते हैं, उसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल आपके पास हो गया। तो मैंने आज के वीडियो में बताया है कि लिगेंड क्या होता है और लिगेंड का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो मैंने कहा लिगेंड को क्लासिफाई करने का दो आधार था, एक आधार था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसके आधार पर लिगेंड तीन टाइप का था, न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। दूसरा आधार था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम या डेंटिसिटी, उसके आधार पर लिगेंड मैंने कहा था मोनोडेंटेंट, बाईडेंटेंट, ट्राईडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट और एम्बीडेंटेड लिगेंड। वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल का सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।